प्रिय छात्रों एवं मेरे दोस्तों सभी को नमस्कार। और आज ये 10th क्लास का एक चैप्टर है जो कल पहला वीडियो इसका पार्ट वन बता चुके थे, बेसिक था। ये जो है पांचवा चैप्टर है 10th क्लास का फिजिक्स का। तो प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी कंटेंट मिलेगा बहुत ही सटीक और आपके एग्जाम में 100% की गारंटी और बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आगे भी आपको ये 12th क्लास में मदद मिलेगा इससे। इसलिए आज पार्ट टू में आप लोग देखिए, तो कल भी बताए थे विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल इससे पहले जो हम लोग देख लिए थे चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, वे सब चीज के बारे में बातचीत किए थे। जस्ट आज उससे अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र सुई पर चुंबकीय बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है? चुंबकीय बल लगाता है। चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसे मतलब ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन। तो हम लोग को मारना है सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला और दूसरा मात्रक होता है वेबर पर वर्ग मीटर। तो अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये पोल है नॉर्थ और ये है साउथ पोल। मतलब इसका तात्पर्य कहने का है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करती है। तो वही लिखे है पहला गुण चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के गुण। पहला गुण है किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक सनत बंद वक्र है और वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः चुंबक के भीतर होती हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। इसका दूसरा गुण देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका दूसरा गुण देखते हैं। तो प्रिय छात्रों, तो चुंबकीय क्षेत्र का पहला गुण देख चुके थे, अब दूसरा गुण क्या होता है? ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं जो होती है, जो उसका फिगर जो बनाए थे, ध्रुव मतलब पोल, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं, परंतु जयो जयो उनकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनका घनत्व घटता जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम में आ सकता है। तीसरा, क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। चौथा है, क्षेत्र रेखाओं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का द्योतक होता है। पांचवा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अब हम लोग देखेंगे और स्टेट का एक्सपेरिमेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं और स्टेट का प्रयोग। तो प्रिय छात्रों, और स्टेट का एक्सपेरिमेंट देखते हैं और ये एग्जाम में 5
फाइव मार्क्स में पूछा भी जाता है। आप क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं या प्रीवियस ईयर का कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा के उसमें देख सकते हैं। कई बार पूछा भी है, आप लोग इसको सही से देखिए, ठीक है। और स्टेट का प्रयोग, तो और स्टेट का प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, और स्टेट एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रयोग में चालक तार को उत्तर दक्षिण दिशा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में दिशा में तार तान दिया जाता है। तार को क्या किया जाता है? तान दिया जाता है। तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई रखी जाती है। जब तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। जब तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सुई विक्षेपित होकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाने लगता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ फिगर है और किताब में इसका स्पष्ट चित्र है। आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। इसको जो है आप लोग एक दो बार जो है कंटिन्यू देखिए और आपको याद हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग को सभी चैप्टर वाइज सभी टॉपिक पे मतलब सभी टॉपिक को थ्योरी टाइप में कराया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में जरा सा भी दिक्कत ना हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग लाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले पार्ट में मिलते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।